हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये मैथमेटिक्स में रेशियो प्रोपोर्शन का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना रिलेशनशिप अबाउट रेशियो प्रोपोर्शन, और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। पिछले वीडियो में आपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का एक मेथड देखा था जिसमें मीन प्रोपोर्शन को निकाला था और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। आज फिर हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में एक नई चीज़ पढ़ेंगे, एक टेक्निक है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, जिसे कहते हैं के मेथड फॉर द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और साथ में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। तो देखिए शुरू करते हैं। हमारे सामने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, पी इज टू क्यू इज इक्वल टू क्यू इज टू आर। आप समझ रहे होंगे ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्यों है, क्योंकि यहां पर ये क्यू दोनों तरफ है एज ए थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर भी बन रहा है, जिसे आप कहते हैं क्या कहते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। ये मीन प्रोपोर्शन आप सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब देखिए इसको हमने लिखा पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर। तो कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय प्रोपोर्शन की आप इसको क्या करेंगे, के मान लेंगे। भाई नेचुरल बात है इनका रेशियो इक्वल होगा, इसका रेशियो इक्वल आएगा तो वो के ही तो आएगा, तो हमने के मान लिया। तो इसको सेपरेटली लिख लें, तो देखिए P अपॉन Q इज इक्वल टू के लिख दिया एंड Q अपॉन R इज इक्वल टू के लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P इज इक्वल टू के क्यू एंड Q इज इक्वल टू आर के, ये लिख दिया या के आर लिख दिया। अब हमने ये जो P इज इक्वल टू के क्यू है इसमें Q की वैल्यू यहां से लेके ये वैल्यू यहां पर Q की जगह प्लेस कर देनी है। तो देखिए क्या बना, P इज इक्वल टू के Q की जगह लिख दिया K डॉट R, तो ये बन गया P इज इक्वल टू आर के स्क्वायर। ये मैंने एक सिस्टम बताया, टेक्निक बताई। अब जरूरी नहीं है हर जगह पे यही टेक्निक लगे, लेकिन ये टेक्निक है कि K मान लीजिए और इसको इक्वेट करके इस तरह से वैल्यूज निकाल के एक जगह से दूसरी वैल्यू को प्लेस करिए। तो इसके रिलेशन में अब आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं कि हम कैसे के मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें आपसे बोला गया है कि ए बी सी एंड डी यानी चार क्वांटिटीज हैं, ये चारों क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। तो हमको प्रूफ करना है ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री ए स्क्वायर प्लस एट बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी स्क्वायर प्लस एट डी स्क्वायर। यहां पर अब हम के मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। इसके लिए कई प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें आप LHS को अलग प्रूफ करते हैं, RHS को अलग प्रूफ करते हैं और दोनों से सेम क्वांटिटी ऑब्टेन कर लेते हैं, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने LHS में वैल्यू रखी और RHS आ गया। यहां पर हम LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिए ये मेथड हम कौन सा तरीका सॉल्व करने का लगाएंगे ये इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या टेक्निक लगा रहे हैं, लॉन्गर मेथड हो रहा है कि शॉर्टर, और हमेशा मैथमेटिक में छोटे मेथड को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो इसको सेपरेटली लिख लें, तो देखिए ए अपॉन बी इज इक्वल टू के बी अपॉन सी इज इक्वल टू के और सी अपॉन डी इज इक्वल टू के लिख लिया। तो अब आपने a, b और c की वैल्यू निकाल ली, a इज इक्वल टू बी के बी इज इक्वल टू सी के और c इज इक्वल टू डी के, निकाल के हमने सारा रख लिया। अब हम प्लेसिंग करके वेरीफाई करेंगे LHS और RHS को। तो सबसे पहले LHS को देखिए, a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी लिखा, अब इसमें वैल्यू रखी a की वैल्यू थी b के, तो देखिए b के माइनस b इसको नहीं छेड़ा, तो देखिए क्यों नहीं करा ऐसा, क्योंकि यहां दोनों जगह b आ गया। नीचे देखिए c माइनस डी, अब c की वैल्यू लिख दी c इज इक्वल टू डी के, क्योंकि यहाँ d है तो डी के माइनस डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ b और b आया, यहाँ d और d आया, तो ये b और d अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन हो गए, तो ये आ गया k माइनस वन ये दोनों कैंसिल हो गए और रिलेशन आ गया b अपॉन d। एक बात ये LHS आ गया, RHS को देखिए तो RHS को लिख लिया स्क्वायर रूट थ्री ए स्क्वायर प्लस एट बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी स्क्वायर प्लस एट डी स्क्वायर। सिमिलरली अब हमने a की वैल्यू फिर से रखी, देखिए यहाँ पर भी a की वैल्यू रखी थी ना, वहाँ भी रख दी, देखिए a की जगह लिख दिया b के होल स्क्वायर, समझ गए। इसी तरह से c की जगह लिख दिया d के होल स्क्वायर, बाकी कुछ भी टच नहीं किया कहीं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसमें कॉमन निकल जाएगा, क्या कॉमन निकल जाएगा, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर कॉमन निकल गया न्यूमरेटर में, ये बनेगा थ्री के स्क्वायर प्लस एट, और नीचे देखिए डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बन जाएगा थ्री के स्क्वायर प्लस एट, दोनों सिमिलर क्वांटिटीज आ गई, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। तो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर क्या बनता है, बी अपॉन डी। अब आप देख सकते हैं यहाँ LHS में बी अपॉन डी आया तो RHS में भी b अपॉन d आया, और आपने k मेथड से इस प्रूविंग को सॉल्व कर दिया।
बच्चों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बाद प्रोपोर्शन की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। इन पांच प्रॉपर्टीज का, यहाँ पे पांच प्रॉपर्टीज हैं, पांच प्रॉपर्टीज का यूज करके हम वेरियस तरीके की प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी है इन्वर्टेंडो, दूसरी प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेंडो, तीसरी प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो, चौथी प्रॉपर्टी है डिविडेंडो और फिर कलेक्टिवली आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए शुरू करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वर्टेंडो के बारे में। नाम से पता लग रहा है इन्वर्ट, यहाँ लिखा हुआ है ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब आप इसमें इन्वर्ट कर दीजिए, मतलब ये देखिए मैंने साइन बनाया है, सिंबल बनाया है, ये नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे, इसका मतलब ये पोजीशंस आपस में बदल गई, तो बी इधर चला गया, ए नीचे आ गया, तो देखिए बी अपॉन ए हो गया, और यहाँ पे डी ऊपर चला गया, सी नीचे आ गया, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी, यानी कि बी इज टू ए इज इक्वल टू डी इज टू सी बन गया। इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो ऑफ दिस प्रोपोर्शन, पहली प्रॉपर्टी। कई जगह हमें इसका यूज करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कैसे करना होगा ये प्रॉब्लम्स करते समय सिखाएंगे आपको बहुत अच्छे से, पहले इसको तैयार करिए। दूसरी प्रॉपर्टी आती है ऑल्टरनेंडो, देखिए इसमें ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी लिखा है, तो आपने बड़े आराम से लिख लिया ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब देखिए सिंबल क्या बनाया है, ये इधर की पोजीशन पे जा रहा है, ये नीचे को आ रहा है और ये ऊपर की, आपस में पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, देखिए ये ए और ये सी नीचे को आ गया, देखिए ये एरो इधर को बना था ना, तो ये सी नीचे को आ गया यहाँ पर और बी ऊपर को चला गया यहाँ पर, तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, इसे कहते हैं ऑल्टरनेंडो। तो आप इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी, या आप लिख सकते हैं ए इज टू सी इज इक्वल टू बी इज टू डी, इस सिचुएशन को बोलेंगे ऑल्टरनेंडो। कई जगह हम इस तरह से भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम पे आते हैं, तीसरे टाइप की करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं जिसे कहते हैं कंपोनेंडो, और उसके बाद पढ़ देंगे डिविडेंडो। तो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी देखें, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो, ये कंपोनेंडो के बारे में डिस्कशन है। तो देखिए ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, आपने इसको लिख लिया ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब हमने क्या किया, देखिए दोनों तरफ प्लस वन कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो प्रोपोर्शन पे, तो ए अपॉन बी प्लस वन सी अपॉन डी प्लस वन। अब इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ एलसीएम बी होगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम डी होगा, ये बन जाएगा सी प्लस डी। तो देखिए हुआ क्या, आपने जो ये a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा था, इसमें ये b को ले जाके यहां पर प्लस कर दिया, देखिए a प्लस बी कर दिया, मींस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर वाली टर्म को प्लस कर दिया, और ये तो ऐसे ही रहने दिया, ऐसे ही c के साथ में d को ऐड कर दिया अपॉन d। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉम्पोनेंडो। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इज टू बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज टू डी, यानी कि आप हमेशा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो बन रहा है कॉम्पोनेंट। तो ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ये लॉजिक ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब अगर हम इसी रेशियो में प्रोपोर्शन में माइनस वन कर दें, तो देखिए ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसमें वन माइनस कर दिया दोनों तरफ, तो एलसीएम बी लेंगे, तो ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी अपॉन डी। तो अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, न्यूमरेटर की टर्म से ये डिनोमिनेटर को माइनस करा है, यहाँ पर ए माइनस बी कर दिया, यहाँ पर ये टर्म ले जाके इसमें से माइनस कर दिया है, मींस ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। तो अगर हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की टर्म को प्लस कर रहे हैं तो वो कॉम्पोनेंडो बनाता है, और अगर हम न्यूमरेटर की टर्म पे देख रहे हैं अपना डिनोमिनेटर की टर्म को माइनस कर रहे हैं दोनों तरफ IHS RHS दोनों में, तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, डिविडेंडो। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, और अब इसके बाद आते हैं कलेक्टिव प्रॉपर्टी, इन दोनों को अगर एक साथ लगा दें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो वो कैसे लगाएंगे। तो जो पांचवी प्रॉपर्टी है उसको पढ़ लें, उसे कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, देखिए ये एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी लिखा हुआ है, और यहां लिख दिया आपने ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब इसमें एक बार लगाइए कंपोनेंडो, तो अगर हम कंपोनेंडो लगाएं तो लिख देंगे ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, जो आप सीख चुके हैं अभी अभी। अब अगर आप इसी में डिविडेंडो लगाएं तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कंपोनेंडो में प्लस करते हैं डिविडेंडो में माइनस करते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ में। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए कंपोनेंडो अपॉन डिविडेंडो, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये बी बी और डी डी कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मीन्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है
तो न्यूमरेटर की टर्म में डिनोमिनेटर को प्लस करिए और नीचे देखिए न्यूमरेटर की टर्म को माइनस डिनोमिनेटर की टर्म करिए, तो देखिए आप a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी लिख दीजिए, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख दीजिए, तो ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आ जाएगा। अब इसका कैसे एप्लीकेशन होता है उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करके आपको दिखा देते हैं। तो बच्चों देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है, 8x plus 13y upon 8x minus 13y is equal to 9 upon 7, ये क्वेश्चन गिवन है और आपको इसकी हेल्प से निकालना है फाइंड x एंड y, इनका रेशियो x is to y क्या होगा। अगर आप इस प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो बहुत लेंथी प्रॉब्लम बन जाएगी। रेशियो प्रोपोर्शन कंपोनेंटो डिविडेंडो या डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम प्रॉब्लम को आसान बनाते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं, ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है। तो यहां पर हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे और LHS RHS दोनों में लगाएंगे। तो देखिए 8x plus 13y में कंपोनेंटो लगाया और डिविडेंडो एक साथ लगाया, तो अभी अभी आपने सीखा था, तो ये 8x minus 13y को प्लस कर दिया, देखिए ये ले जाके अपॉन 8x plus 13y माइनस ये टर्म लिख दी, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो माइनस 8x plus 13y हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा 9 plus 7 अपॉन 9 माइनस 7। तो देखिए कंपोनेंटो डिविडेंडो दोनों लग गए इसमें। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 13y प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 16x 8x plus 8x अपॉन यहाँ पे 8x 8x कैंसिल हो जाएगा 26y, यहाँ पे 9 प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 7 तो 16 अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पे 16 कैंसिल, यहाँ 2 से 13 आ जाएगा, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 13 अपॉन 1 आ जाएगा, यानी कि x इज टू y 13 इज टू 1 आ गया। इन दिस वे आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट इन दिस वे आपने आज इस वीडियो में प्रोपोर्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बेसिक से लेकर डिफिकल्ट तक की सारी मेन मेन प्रॉब्लम्स का डिस्कशन आपसे किया जाएगा इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। थैंक यू।